चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ आलू की सब्ज़ी, उबले हुए आलू की सब्ज़ी किस तरह बनती है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है उबले हुए आलू की। आपके पास अगर आपको घर में कुछ नहीं है, सिर्फ आलू है, तो उसका आप बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बना सकते हैं। आपको सोच रहे जैसे कि सूझ नहीं रहा है मार्केट जाने के लिए, टाइम नहीं आपके पास, तो आपके पास कुछ अगर आलू बहुत ही बढ़िया इसके लिए हमें चाहिए। ये हमें उबले हुए आलू के लिए हमें चाहिए। इतने हमारे पास आलू रखे हुए हैं, हमें जितने भी आपको, जैसे आपके ज़्यादा फैमिली में ज़्यादा बनाना हो, अभी हमारे फैमिली में थोड़े ही लोग हैं, इसलिए हमें ज़्यादा आलू हमने नहीं लिया है। हम इसमें तीन लोगों के लिए, चार लोगों के लिए हम इसमें आराम से सब्ज़ी हो जाएगी। पहले आप इतना आलू, अब दो आलू बिना छीले रख दीजिए। जो भी आप आलू उबालें तो दो तीन आलू बिना छीले रख दीजिए, मतलब कि ऐसे साबुत आप छिलके उतारे बिना ऐसे आप रख दीजिए उबले आलुओं को। दो तीन आलू हमने ऐसे बिना छीले लिया हुआ है और इन आलुओं को हमने छील लिया है, उबले आलुओं को, और इन तीन आलुओं को हमने नहीं छीला है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और हमने लिया हुआ हरी धनिया, और इसमें एक हरी मिर्च हमने पीसी हुई है, थोड़ी सी हमने अदरक ली हुई है, और ज़रा से इसमें हमने पुदीना डालकर हमने पीस लिया है। हरी धनिया, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती हमने डालकर इसका हमने मिक्सी जार में पेस्ट बना लिया है। ये हमने थोड़ी सी हल्दी ली हुई है, ये थोड़ा सा जीरा, और ये हमने दो चम्मच नमक लिया हुआ है, और हमने लिया हुआ है थोड़ा सा अदरक, हमने मसाले में भी पीसा है हरी धनिया में, और इसमें हमने थोड़ा इसको ऐसा हाथों से ऐसा काट कर डाल दिया है, इसे काटा हुआ है। और ये हमने हरी मिर्च दो टुकड़े कर दिए हुए हैं हरी मिर्च के, इसे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक हरी मिर्च में दो टुकड़ा किया हुआ है हमने, और ये है थोड़ा सा आमचूर, और ये लिया हुआ है हमने दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और इसमें ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। और ये लिए हुए हमने थोड़ी सी हींग, हम चलते हैं दोस्तों, हम सब्ज़ी बनाने चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए पहले हम करेंगे गैस ऑन, इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, तेल को हम अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, इसमें हम डालेंगे हींग, फिर इन आलुओं को मैं ऐसे हाथ से, इन आलुओं को जो उबले हुए आलू है इसमें हम हाथ से इस तरीके से तोड़ देंगे, इस तरीके से हम इसे मैश कर देंगे, तोड़ देंगे, ज़्यादा हमें ऐसे नहीं हो करना। इन आलू को भी हम ऐसे ही छिलके से ही थी ऐसे हम तोड़ देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, हमारी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारी ये हरी मिर्च, और ये हमने जो अदरक आपको बताया था कटे हुए अदरक रखे थे वो डालेंगे इसमें, और इसको हम कम फ्लेम से अच्छे तरीके से चलाएंगे। फ्राई करके निकाल देना है इसे, अब इसमें ये मसाले में ही हम, ये ग्रीन मसाले में ही हम हल्दी डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों हम आपको बताना भूल गए थे बनाते सब्जी बनाते वक्त, हम इसमें गरम मसाला हमने आपको बताना भूल गए, इसमें गरम मसाला भी डालना है। दो चम्मच के करीब हमने गरम मसाला लिया हुआ, इसे भी हम अपने हरे मसालों में मिला देंगे, और इसे हम चम्मच से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब दोस्तों इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पहले टमाटर,
टमाटर डालेंगे, आप देख सकते हैं ये देखो मैं इसमें डाला है। दोस्तों ये जो हमने जो मसाला तैयार किया है अच्छी तरीके से तब तक चम्मच से सेक देंगे ताकि इसे बहुत अच्छी तरीके से ये मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा मेरा हरी मटर भी रखी हुई थी तो हमने इसी तेल में आपको मैं बताना भूल गया, इसी तेल में हमने मसाले में इसे डाल रहे थे तो इसमें भी हमने हरी मटर भी इसमें डाल दी है क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले से फ्राई मटर हमारे पास थोड़ी सी रखी हुई थी इसे भी हमने आलू में मिला दिया, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया बन जाता है। आपके पास है तो आप भी डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें आप डालेंगे हमारा जो हमने हरी धनिया, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च, हरी धनिया, पुदीना इस सब का पहले से हमने लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला है, इसका किसी पूजा पाठ में भी इसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है, डाल सकते हैं इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है और आप भगवान को भी चला सकते हैं। चला सकते हैं हम इस समय में सकते हैं इसमें हम अपना ये अमचूर डाल देंगे, अपना अमचूर डाल दिया हमने, इसमें अच्छी तरीके से मसालों को हम 5 मिनट तक चलाएंगे, मतलब जब तक ये सूख न जाए मसाला थोड़ा सा बिल्कुल तेल छोड़ने दे, इसे अच्छी तरीके से चलाना है। देख सकते हैं देखिए भाई हो रहा है ना, ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारे मसाला बन के तैयार हो रहा है, एकदम अच्छी तरीके से तेज चलाते जाएंगे ताकि मसाला पकड़ेंगे। हमने इसमें नमक सारे मसाले डाल दिए हैं, हरी धनिया और हमें और थोड़ी सी अदरक का पेस्ट हो जाना था और अदरक हमें काट के भी डालना है, अच्छी तरीके से चलाते जाएंगे मसालों को। आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आएगा, आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मसाला किनारे किनारे से देखो तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला तैयार हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से सब्जी के लिए रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे जो आलू को हमने उबाल के रखा हुआ था उसे हमने हाथों से इस तरीके से तोड़ दिया है और हमारे पास थोड़ी पहले से फ्राई करके मटर रखी हुई थी वो भी हमने इसमें मिला दिया है फ्राई मटर, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। आपके पास अगर है घर में तो आप भी डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और कुछ आलू को हमें बिना छिलके उतारे जो उबाले थे उसमें छिलका नहीं उतारा है, ऐसे इसे ऐसे ही डाल देंगे हम तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में। अब इन आलुओं को हम इसमें कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे, डाल देंगे बहुत ही बढ़िया इसे टेस्ट आ जाता है और इसमें खूब अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये आपका आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लग रहा है, इसे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं प्लेट में लेकर, लेकिन हमें ऐसे नहीं खाना है, हमें इसे ग्रेवी बनाकर सब्जी आप चावल के साथ रोटी के साथ पूरी के साथ आप खा सकते हैं। कोई मेहमान है आपके घर में आपके पास सब्जी ना हो सब्जी आप इस तरीके से बनाएं, आलू की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया लगती है, इसमें लहसुन प्याज भी नहीं डालते,
बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। हमने जो है मिर्च रखी हुई थी, हरी मिर्च को फ्राई करके निकाल लिया था, अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। आपको मसाला, आपको सब्ज़ी कैसी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए पतली चाहिए उस हिसाब से। कितना बढ़िया सा है हमारा, ये बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए जो आलू है इसे हमें हाथों से भी तोड़ देना। अभी मैं कुछ नहीं करना, अभी इसे मैं पहले इसे 5 मिनट 10 मिनट जितना लगे इसे पहले उबलने के लिए रख देना। जब इसमें उबाल आ जाए तब इसे हमें गैस बंद करके इसमें हरी धनिया डालना है। अभी हमें इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे ढक कर रख देना है। दोस्तों 5 मिनट बाद हम अपने सब्जी का ये डाल दें और देखते हैं, देखिए सब्जी हमारी बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो आलू हमने हमारे बड़े बड़े आलू दिख रहे हैं इसे हमें जो हमारे बड़े बड़े से आलू दिख रहे हैं इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये देखो बड़े बड़े आलू इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना और इसे हमें ऐसे सब्जी चलाना भी सकते हैं इसके मतलब चम्मच की मदद से जिसे हम सब्जी चलाते हैं इसे इस तरीके से इसे दबा देना है, मैश कर देना है। और अब इसे हम सब्जी में अपने डाल देंगे, इससे हमारी सब्जी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी। और इसे हमें इस तरीके से फुला देना है और इसमें डाल देंगे, इसमें देखिए कितने बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं। इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती, इसमें हरी धनिया डालेंगे, हरी धनिया डालकर इसे हम अच्छी तरीके से चला देंगे। और इसे हम देखिए कितना बढ़िया से गाढ़ा हमारा सब्जी बन गई है। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं तो बढ़िया सा हमारा ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हमारी इसे ग्रेवी वाली बनाई है क्योंकि इसे हम चावल के साथ अब रोटी के साथ अब क्योंकि कुछ देर रखने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाती है। ये देखिए तो बढ़िया लग रहा है, ये हमारे बन गई है हमारी गर्मा गर्म उबले हुए आलू की सब्जी। देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ये। आप देखिए बढ़िया से आप चावल के साथ, ये हमारा चावल दाल रोटी के साथ हमने इसे परोसा हुआ है, इसे अपने परिवार के साथ खाइए खिलाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तुम्हारी लगी इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा हमारा चैनल